नमस्कार मेहता, और आप देख रहे हैं खोज खबर। हम हैं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। आपने जो है मणिपुर की घटना लगातार देखी होगी और सुनी भी होगी कि मेतेई समाज वहां पर और कुकी समाज, जिस तरीके से वहां पे उन दोनों के बीच जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, किस तरीके से जो है वहां पे मणिपुर जो है कैसे जल रहा है। तो वहां की जो घटना है उसके जो चश्मदीद हैं, हमारे साथ हैं, जिनके साथ भी जो है घटनाएं घटी हैं, मणिपुर से हैं। आपका नाम जानना चाहूंगी पहले। मैं एल रंजन मैतेई हूं, जेरीबाम से है। जेरीबाम अपेक्स बोधी मैतेई का एक अपेक्स बोधी है ली सिंह, उसका जनरल सेक्रेटरी हूं। जनरल सेक्रेटरी हैं आप, वहां पे एक चश्मदीद गवाह है वहां के, तो आपने वो चीजें देखी हैं, कैसा फील होता है, कैसी स्थिति जो है वो हमारे भारत देश का हिस्सा मणिपुर वहां पर, और कई महीनों से ऐसे हो रहा है लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है वो वहां पर जा नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मुझे वहां की स्थिति बताइए क्या है। स्थिति था कि 3 मैसेज सारे मणिपुर में हुआ था, तो हम उधर पीस कमेटी बना के शांत बनाने की कोशिश किया। तो ये जो 14 साल इस साल का से 6 मई से पहले तक हम शांत रहा, हमारे उधर उन कुकी लोगों का आर्मी आने जाने देता है, और उसकी उनकी उधर जाने में वो सिक्योरिटी नहीं है कहकर सिक्योरिटी लोग उनकी उधर जाने से हमको रोकता है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी है, इसके लिए वो सिक्योरिटी है, हम शांत रहता है। वो उनको ये कन्फर्म है कि वो कुकी लोग अगर जिरबा में भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं करेंगे, ऐसे सोच के वो लोग तो हमारे उधर आता है, हम उधर नहीं जा पाता है। हमने एक साल के अंदर इस साल में बहुत सारे घटना हुआ, तो भी हम शांति बनाने के लिए कोशिश किया उन लोगों को, मतलब हम कंप्रोमाइज करते आ रहा है, मतलब मेतेई समाज कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कुकी समाज से, कुकी समाज से कंप्रोमाइज करते आ रहा है। अगर बहुत बार कहा जाता है कि कुकी समाज के लोग जो है वो अटैक करते हैं, वो युद्ध करने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने, बार बार करता है, वही तो बात हम बोल रहे हैं, बार बार करता है। कुकी समाज तो मेतेई पे आरोप लगाता है, वो तो प्रोपेगेंडा है। ये एक अथॉरिटी उनका, हम आपका नंबर है तो हम भेज देंगे, हमारे यहाँ अभी भी है, जो एक जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पीस कमिटी के एक मीटिंग है 18 मार्च 2024 में हुआ था, उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट ऐसा है कि उस लोगों ने जो भी प्रोपेगेंडा किया है, जो गलत गलत बात बोल रहा है, उसके लिए वो एपोलॉजी करना राजी हुआ अपने आप ने उन लोगों ने। और दूसरी बात, उसने क्या लगता है वहाँ पे संख्या बल कम है मेतेई वालों की, इस वजह से संख्या कम है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। उधर पीस कमिटी में सब हमारा भी एक ही जाएंगे, दो ही जाएंगे, मतलब हमारा मेतेई कमेटी का जो स्टेक होल्डर होता है उन लोगों को भी आता है, वहाँ DC होता है, MLA खुद ने बनाया है, वो तो उस दिन उपस्थित नहीं थे, SP है, असम राइफल है, सभी है, वो डर के ऐसा नहीं बोलेंगे। और दूसरा पॉइंट वो था कि उसने जो कंडेमनेशन प्रोपेगेंडा के रूप में किया था, वो उसने विद्रोह खुद कर लिया। ये चाहे युद्ध आपकी तरफ से हो, चाहे वो उनकी तरफ से हो, कुकी वालों की तरफ, नुकसान तो दोनों का ही होना है उसमें। हाँ जरूर। तो आप लोग शांति का रास्ता क्यों नहीं अपना रहे हैं? हम शांति का रास्ता अपनाया, हम उनकी तरफ से युद्ध आता है, ये मत कहे कि हम उनकी तरफ युद्ध करें, हम डिफेंड करते हैं, डिफेंड मतलब करते अपने हैं, आपको बचाना तो जरूरी है ना। राम ने क्यों धनुष उठाया था, तीर उठाया था, सुदर्शन क्यों पकड़ा था कृष्ण ने, अपने बचाव के लिए, अपने लोग को बचाव के लिए, जब हम करने लगे तो हमको क्यों दोषी करे सरकार हमको? हाँ, जो दोषी अपने बचाव के लिए जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को हथियार उठाने पड़ते हैं, आप ये कहना? हाँ, आप भी तो अगर आपके ऊपर कुछ ना करे और कोई लोग आपके गला पकड़ के मारेंगे तो आप कुछ नजदीक में जो भी है पत्थर, कानून व्यवस्था तो कुछ है ना, कानून कोई चीज है कि नहीं है? उधर ऐसा ही लगता है कि वो भारत का कोई हिस्सा ही नहीं लगता है, ये कानून जो है उधर लागू नहीं है अब तक, सिक्योरिटी एकदम फेल है ऐसा लगता है, लगता नहीं है ऐसा हो रहा है। वहाँ की जो हमारे जो पुलिस फोर्स है, वहाँ की तमाम फोर्स है, वो लोग क्या कर रही है, वो लोग क्या रहे कर रहे हैं, उन लोगों को ऑर्डर नहीं मिल रहा है, ऐसा कहेंगे कि ऑर्डर नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे? आप कहीं वीडियो भी देखा होगा कि भारतवासी से आया हुआ
बहुत सारे सेंट्रल फोर्स भी ये कहता है कि हमको अगर आप ऑर्डर नहीं देंगे ऐसा ही खड़े नहीं देंगे और ये तमाशा हमको देखना पड़ेगा तो हमको काम सिर्फ। अच्छा, जो हथियार होते हैं वो कहाँ से आ जाते हैं आप? हमारा वो आप लोगों के पास हो चाहे वो उन लोगों के पास हो, हमारा हमारा हथियार जो होता है लाइसेंस गन है सभी बाप, और लाइसेंस गन से नहीं काम आता है तो आप भी सुना होगा वो कैसे भी करके हमको हथियार पकड़ना था। वो तीन मई के उधर कुछ थोड़ा लिया था, ज्यादा से ज्यादा वो बेक कर चुका है हमको। उस समय तो वो सेंट्रल फोर्स का इतना 70-80,000 नहीं आए थे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम आपके सामने वो आए और मारे ऐसा करेंगे क्या? आप भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे। तो हमने भी ऐसा किया फॉर सेल्फ डिफेंस के लिए। आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग को एक कदम जुगाड़ करता है, पर उन लोगों के कहीं किसी फाइव इलीगल जो मिस्क्रेंस होता है उन लोगों के फाइव में से कहीं ना कहीं 20,000 का वो जो फैसला था वो हमारे पुलिस भी डरता है। वो अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो हम कैसे करेंगे? फोर्स भी डरती है मतलब पुलिस तो डरता है, कमान तो डरता है, ऐसा लगता है डरना चाहिए। वो नहीं डरता है, मरेंगे तब भी नहीं डरेंगे, फिर भी वो उसका जो ताकत होता है कहां से आता है, मतलब उन लोगों का जो ये घटनाएं करते हैं उन लोगों के अंदर कानून का डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कानून का डर नहीं है। उसको किसने साइड दिया है पता नहीं, कानून का क्यों नहीं डर हो रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कोई ना कोई उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, बहुत सपोर्ट मिला है, बाहर से मिल रहा है, अंदर से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? कुछ पता है आपको? हाँ, कुछ पता है, क्यों नहीं कुछ पता है, कौन सा देश कर रहा है, कौन from some reliable sources that US is helping them, India को भी ये वो जैसे दूसरा मणिपुर के आतंकवादियों को मतलब revolutionary को control करने के लिए उसने PDF को ऐसा मतलब हथियार वगैरह दे के पीछे से वो behind the screen ये सब कर रहा है, वरना वो कहाँ से आते होंगे इतना पैसा जो उसकी पोपी कल्टिवेशन से हाँ मिलता है इतना दिन सरकार मतलब कितना कि और देश के लोग भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कौन से देश के हमको फ्रॉम रिलायबल सोर्स दिस इज USA, दिस मे बी चीना, दैट ऑल वांट्स टू हेल्प देम टू गेट देयर प्रॉफिट। हाँ, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आपके क्षेत्र में आए, मणिपुर में आए, दौरा करें, आप ये चाहते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री तो हम चाहते हैं, तो आप भी तो जानते हैं कि बहुत दिन से 14 मंथ्स लॉन्ग बट सी ही इज नॉट अराइविंग डियर, आए ना आए, मुंह तो ना बंद करे। हाँ, मुंह भी बंद कर रहा था। उन्होंने जो चुप्पी साधी हुई है वो कम से कम खोले। हाँ, प्रधानमंत्री कुछ तो बोले, कुछ करे, उसका ही देश है। हाँ, इस बार वो कहता कि अब की बार 400 पार तो कितना क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, इसके इफेक्ट से भी हो सकता है सारे भारत में। हमला करने वाले जो है वो कौन है? वो क्रिस्टियन है, क्रिस्टियन को भी उन लोगों ने मल्टीलेटर किया है, बाकी का क्रिस्टियन ऐसा नहीं करते। ये क्रिस्टियन सबको भी जानना चाहिए, क्योंकि जो मिलिटेंट टेररिस्ट है, नार्को टेररिस्ट, हाँ, नार्को टेररिस्ट से आता है वगैरह से बहुत सारे आता है, उसके पोपी कल्चर से है ये सब उनका सपोर्ट। आप ये चाहते हैं कि शांति हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चाहे वो देखो हमला तो दोनों तरफ से ही, आप जिस तरीके से कर रहे हैं चाहे बचाव में करें चाहे जानबूझ के करें, नुकसान दोनों का ही होना है। सिर्फ दो का नहीं, आप एक गलत कर रहे हैं, सिर्फ दोनों का है, जो जहाँ होता है मुस्लिम होता है, बंगाली हिंदू होता है वगैरह, बहुत सारे नेपाली होता है, उनको भी भुगतना पर अगर सोशियो इकोनॉमिक अगर प्रॉब्लम जो होता है ना बढ़ते चला है, वो जो रास्ते में जाना आना जाना अगर बम फूटेंगे उस तरह आपको मैं कि उधर आएंगे अभी उधर घुसना नहीं चाहेंगे, तो सभी का काम जो काम कर रहे हैं दोनों वहाँ पे मतलब सेफ रहना एकदम असुरक्षित महसूस कर रहे। हाँ बिल्कुल, हम सोता नहीं है 6 मई से, तो 6 जून इस साल के 6 जून से हमने 24 आवर में 2 घंटा नहीं मिला है सोने का। अच्छा ये बताइए बच्चों की स्थिति वहाँ पे कैसी है? बच्चों का स्थिति एकदम स्कूल नहीं जा रहा है, पुलिस एकदम बंद है, जो IDPs होता है घर से बाहर आता है तो किताब थोड़ी ना किताब पकड़ के, हाँ किताब लेके आते होंगे वो क्लास 10, 9, 10, 11, 12 बहुत सारे छात्र भी है उनका वो किताब है, उन्हें कहा गया मेरा जितना है घर में वो देने का समय भी नहीं मिला।
तो अब लास्ट में प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ प्रधानमंत्री जी, ये जो हम कहना चाहते हैं कि एक बार कहना चाहता हूँ कि आपका ये देश है, आपकी जहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जो भी घटना हो उसका दायित्व आपके ऊपर होंगे। बहुत साल, बहुत महीने हो गए, बहुत दिन हो गए, अगर समय पे आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका ये सरकार भी कभी तो न जाए। मतलब आप पूरी जिम्मेदारी थोप रहे हैं? क्यों नहीं, वो तो एजुकेट करने का सबसे ऊपर पावर है। तो इनका साफ तौर पे कहना है, क्योंकि ये चश्मदीदी गवाह है वहां के, और खास तौर पे प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है, इनका कहना है, तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री जी होंगे, क्योंकि उनके पास ही पावर है इन सब चीजों को कंट्रोल करने की। धन्यवाद।